जय भरत। दोस्तों, सर्किट ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को एक बार और तहे दिल से स्वागत है। मैं कौशिक सरकार आज जिन टॉपिक में बात करूंगा वो आप हेडलाइन पे देख चुके होंगे कि वॉकहार्ट, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी क्या चल रहा है इनका बीच में, क्या हो रहा है इसके बारे में पूरा पुष्टिकरण इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का सही सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में हर रोज हम पोस्ट करते रहते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। अदरवाइज आप अगर ट्रेडर्स नहीं है, इस टाइप की जानकारी मार्केट से जानना है और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमारे चैनल पर आप बने रह सकते हैं। एक दिन पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद अगर चैनल को अच्छा ना लगे तो चैनल को आराम से लीव कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलिए फटाफट ज्यादा बात ना करते हुए हम आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे वॉकहार्ट के साथ क्या चल रहा है और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी का नाम मैं क्यों लाया हूं। तो चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं किसी प्रकार का किसी चैनल किसी स्टॉक के ऊपर बाइंग या सेलिंग का सलाह नहीं देता हूं। आपको अगर बाइंग या सेलिंग का सलाह या कुछ पाना है या मार्केट से जो भी जानकारी जानना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज कॉल नंबर ये है, कॉलिंग नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम देखते हैं वॉकआउट पर फार्मा कंपनी का नजर क्यों बना हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कर्ज कर्ज में डूबा हुआ है वॉकआउट। अब मैं कोई मनगढ़ंत बातें किसी चैप्टर पे किसी वीडियो में नहीं करता हूँ। अगर मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करूंगा तो कंपनी वाला मुझे घेर लेंगे और मुझे केस में डाल देंगे। अब मैं इसका सीधा सीधा वेबसाइट में जाके आपको बैलेंस शीट दिखा के बताऊंगा। और कर्ज में डूबे हैं तो डूबे हैं, फिर सिप्ला का नाम क्यों आया, डॉक्टर रेड्डी का नाम क्यों आया, इसका भी पुष्टिकरण इस वीडियो के माध्यम से हम करने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वॉकआउट के साथ क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रहा है उसके बारे में। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे वॉकआउट का कर्ज में झेल रहा है, कर्ज के दिक्कत से झेल रही है वॉकआउट के चुनिंदा बिजनेस मॉडल को खरीदने के लिए फार्मा कंपनियों में भीड़ लगा हुआ है। सूत्र से जाना गया है कि डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला ने इसका जो बिजनेस मॉडल है वो खरीदने के लिए तैयार है। अब देखते हैं बयान में क्या आ रहा है डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला की तरफ से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वॉकआउट अपने चुनिंदा बिजनेस मॉडल को बेचकर कर्ज घटाने का तैयारी कर रहे हैं। सेगमेंट के लिए सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी में होड़ लगे हुए हैं। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट को खरीदने के लिए पेज भी शामिल है। नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बोलिया संभव है। हालांकि वॉकआउट के बयान के इंतजार है। चार्ली डॉक्टर रेड्डी और पेज का ने बयान से इनकार कर दिया है। फिलहाल सिप्ला के तरफ से भी कोई खास जानकारी नहीं आया है। तो इसके बारे में चलिए जो भी चर्चा, देखिए एक बार मार्केट में जब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, एक बार मार्केट में जब कोई चर्चा चलता है उस चर्चा पे कुछ मार्केट हिलता है, इसको आगाह करने का इस वीडियो का मेन मकसद है। तो इसके साथ साथ हम इसका जो मेन चीज है वो देखने जाएंगे। चलिए दोस्त, वॉकआउट कैसा है हाल। तो यहाँ पे देखिए मार्च 2019 तक कंपनी के ऊपर 3367 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है अभी तक, और उस कर्ज को चुकाने के लिए वॉकआउट ने ऐसे बयान दिया है। अब मैं यहाँ पे वॉकआउट का एक क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट को आप डेप्थ देख पा रहे, जो डेप्थ का लाइन में खींच रहा हूं यहाँ पे आप नजर दे सकते हैं, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख पा रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट का हालत क्या हो रहा है, जिसका कारण प्रॉफिट इन लोग बढ़ा नहीं पा रहा है, डेप्थ ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल बेचना पड़ेगा। अब इसका असर मार्केट में कैसे होगा, अब मैं असर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा वॉकआउट का करंट प्राइस के ऊपर और इसका चार्ट के ऊपर, उसके बाद सिप्ला का, डॉक्टर रेड्डी का, वॉकआउट का बैलेंस शीट के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा और इसमें होता क्या है ये भी बताऊंगा। देखिए मार्केट में जब ऐसे कोई न्यूज आता है किसी कंपनी को लेके, ठीक है, ये मैं वॉकआउट का चार्ट आपके सामने ओपन किया हूं। अभी करंट प्राइस 271 चल रहा है, इसका स्थिति आप देख पा रहे हैं कैसे ये चार्ट बिहेव कर रहा है। तो यहां से
आपको नेक्स्ट डे के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर 70 के नीचे और जाता है, ऑब्वियसली इसको जाना चाहिए, ठीक है, और 70 के नीचे जाता है तो मंडे से जिन लोग ट्रेड कर रहे हैं इनमें आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्टली आपको 64-65 तक का टारगेट यहाँ से 70 से मिल सकता है, वहां से और भी अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ मैं सिप्ला का भी चार्ट दिखाऊंगा। देखिए ऐसे कोई न्यूज आता है तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाता है। सिप्ला का दिखाऊंगा, ठीक ठाक बढ़िया इसका चार्ट है। मैं कुछ दिन पहले एलिगेटर इंडिकेटर का एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैं सिप्ला का एक चार्ट दिखाया था। आप लोगों से मैं सवाल पूछा था ये कौन सी कंपनी का चार्ट है, तो इन्होंने सिप्ला का काफी लोग जवाब दिए हैं कि सिप्ला का है, एक दो लोग गलत जवाब दिए हैं। तो यहाँ पे सिप्ला का चार्ट दिखाऊंगा। ऐसे कोई न्यूज आता है जो कंपनी खरीदने जाता है, जो कंपनी खरीदने जाता है उसको मजबूती मानता है और उसका प्राइस बढ़ता जाता है, जो कंपनी अपना हिस्सा बेच रहा है उसका घटता जाता है। ये सिंपल सी बात है। अब क्यों ये होता है, ये आप अगर मार्केट में थोड़ी सी पुराने हैं तो आपको पता चल ही रहा है क्यों ये हो रहा है, होता है ऐसे क्यों होता है उसके बारे में भी। अगर मार्केट में नए हैं तो आपको बता दूं, जो कंपनी खरीदने जा रहा है आमतौर पर लोग क्या मानते हैं, जो खरीदने जा रहे हैं वो बड़े हैं, अमीर है, अच्छा है कि नहीं, तभी दूसरे को खरीद रहा है। तो जो बड़े हैं, अमीर है, अच्छा है, तो लोग उसी के पीछे भागते हैं आमतौर पर। आज कलयुग में जो कहानी है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे माना जा रहा है सिप्ला के पास पैसे है तभी सिप्ला वखार्ड को खरीदने जा रहा है, तो सिप्ला के पीछे ही लोग भागेंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा बात वगैरह करने की जरूरत है नहीं। तो मैं जो मुद्दा आपको समझाने वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ जो चीज, वो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर रेड्डी के चार्ट ओपन किया हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिन में आपको डॉक्टर रेड्डी का फर्स्ट टारगेट जो रहेगा यहाँ से, वो मैं 100 पॉइंट का टारगेट देता हूँ कि यहाँ से शायद ना गिरे। आपको यहाँ से थोड़ा सा वॉच करना है कि यहाँ पे संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है। ये लेवल आप देख रहे हैं, ये 2700 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक ना करे, यहाँ से संभलने की कोशिश करे, तो क्लियरली आपको 2850 तक का टारगेट यहाँ से आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर भी मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ ना जाए तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर भी मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाए तो आपको नीचे का लेवल जो मिल सकता है वो मैं आपको बताऊं। नीचे का लेवल यहां से अगर 2700 का लेवल ब्रेक करता है तो और काफी नीचे आ सकता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से बाउंस बैक आने का उम्मीद मुझे जता रहा है कि यहां से बाउंस बैक आ सकता है और आपको 2850 का टारगेट यहां से दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट जाएंगे अभी वाखाट का जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये स्क्रीनर के साइड से आप देख रहे हैं वाखाट का बारे में, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 3006 करोड़ रुपया। बुक वैल्यू क्या है, 229 रुपया। तो बुक वैल्यू और करेंट प्राइस आपको पता है बुक वैल्यू क्या है, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बड़े आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। तो बुक वैल्यू और करेंट प्राइस लगभग एक के आसपास आने वाले हैं। तो कितना स्थिति इसका खराब है ये आप समझ रहे हैं। इसका 52 एक हाई, 52 एक लो, 52 एक हाई है 554 और 52 एक लो है 230, यानी कि लगभग इसका 52 एक लो में आने वाले हैं, ठीक है। ओके, डिविडेंड ये पे कर नहीं रहे हैं, पी रेशियो इसको बिल्कुल बराबर हो चुका है, ओके, और फेस वैल्यू इसको अभी तक 5 रुपीज है। फेस वैल्यू, पी रेशियो, बुक वैल्यू, इन चीज को बारे में अगर पता नहीं है तो मैं बड़ा आसान शब्द में आने वाले कुछ एक दिन में इन चीजों के बारे में मैं वीडियो छोड़ूंगा, वो आप जरूर देख सकते हैं। इसका आप ग्राफ मैं दिखाता हूँ, देखिए इसका ग्राफ का क्या स्थिति है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ग्राफ 2009 में क्या था, 2007 में क्या था, बीच में इसका अच्छा खासा मुनाफा 2013 2015 में 2016 में चल रहा था, फिर वहां से फिर इसका स्थिति खराब बने हुए जा रहा है। देखिए जब कोई स्थिति खराब बनते है, कोई लोगों का स्ट्रेटेजी होता है ये कंपनी का स्थिति खराब है तो इसमें हम अभी निवेश करने का सही समय है, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे हिसाब से मैं अगर कहूंगा तो बिल्कुल नहीं। जो कंपनी ग्रोथेबल कंपनी है आपका ध्यान उसी में देना चाहिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे जो चीज आपको दिखाने जा रहा था वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का कलम में यहाँ पे मैं डिप्रिसिएशन का लाइन खींच रहा हूँ, मेरा 10 मिनट के अंदर वीडियो को क्लोज करना है इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे जो मैं चीज आपको दिखाना चाहूंगा वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का घट रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं पा रहा है। डिप्रिसिएशन के लाइन में भी आपको दिखा दिया डिप्रिसिएशन क्या चल रहा है। ओके दोस्त, तो आज के वीडियो में इतना ही,
अगर अच्छा लगा है समझने का तरीका। और देखिए 10 मिनट के अंदर मैं कैद हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बदल नहीं कर पा रहा हूँ।